ये एंट्री तो लेने भाई शूटिंग बहुत अच्छा थी। कल इंडियन आइडल देखा कि नहीं? अच्छा था, बहुत अच्छा दिया। मैम आज सुशांत सिंह राजपूत को एक साल हो गया है, अभी यादें बची है, कुछ बोलेंगे? इंसान का कोई भरोसा ही नहीं है, आज है कल नहीं, इसलिए हर इंसान को जाग जाना चाहिए। श्रीदेवी जी इतनी बड़ी सुपर डुपर स्टार, मैं तो उनकी दीवानी थी, फैन पूरे देश भर, वो भी चले गए। सुशांत सिंह मेरा दोस्त, मुझे आज भी वो याद है, ज़रा नच के दिखा, हम लोग साथ में कर रहे थे, सुशांत सिंह ने कहा था राखी यू आर माई क्रश, तभी तो मुझे समझ में नहीं आता था क्या बोला है, ये क्रश क्या होता है क्या मालूम, डेट क्या है, क्रश क्या है, मुझे क्या मालूम है, मुझे उतना नहीं मालूम था। मैं सोची पता नहीं कुछ तो बोला होगा, वो तो बाद में मैंने पूछा उस व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ क्रश, फिर बोलो, फिर जब क्योंकि मेरा परदेसी या सॉन्ग आया था, उनको सॉन्ग मेरा बहुत पसंद था, वो कह रहा था कि मैं स्कूल में था, मैंने कहा जब तुम स्कूल में थे तब मैं बॉलीवुड में आई थी, हमारी उम्र एक जैसी है, एक आध साल ऊपर नीचे होगा, बहुत मस्ती करते थे, वेरी जॉली पर्सन, अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो नहीं है हमारे बीच में, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शूटिंग कर रहा होगा, कहीं ना कहीं होगा अपने जिंदगी की माला को, यू नो, मोतियों को पोर रहा होगा, यकीन नहीं हो रहा है। एक साल हो गया, एक साल हो गया, वक्त कितना फास्ट भाग जाता है, हैं? पता भी नहीं चलता। मैं आज उसको याद करके यही सोच रही थी, मैं भी आज हूँ कल नहीं, क्या देश की जनता मुझे भी याद करेगी? क्यों याद नहीं करेगी? हाँ, होता है ना, फैंस होते हैं ना, कर देगा बेसब कुछ, फैंस है तो हम हैं, जनता है तो हम हैं, वरना हमारी क्या औकात है? दुआ तो कर सकते हैं ना? हाँ, दुआ तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने सुशांत के लिए दुआ करी है कि उसे ईश्वर परमेश्वर स्वर्ग में एक ऐसी जगह दे, जब हम जाए तो हम उसे देखें। मैं तो ऊपर जाऊंगी, मेरे को हाय सुशांत लेट्स डांस, क्योंकि जो मार दिया जाता है, जिनका वक्त पूरा नहीं होता है, उनके लिए गॉड भी आंसू बहाता है, जो जल्लाद लोग इस दुनिया में हैं, यू नो, ईश्वर करे जिनका जब वक्त पूरा होता है ना, मतलब कैसा है ना कि 100-150 साल के लोग यहाँ रह जाते हैं, और जिनकी ज़रूरत है, ओह माय गॉड। मैं दिलीप साहब के बारे में भी सोच रही थी, 100 साल के होने वाले हैं दिलीप साहब, वाओ। मैं शायरा जी को बोल रही थी, शायरा जी दिलीप साहब ने ऐसा कौन सा आटा खाया है हमें भी बताओ। बट इट्स अ वेरी इमोशनल के शायरा बानो एक जीती जागती, यू नो, सावित्री है। मैंने आपको भी बताया था उसने, जो अपने पति की सेवा करती है, आजकल कि बीवियाँ कहाँ अपने पति की सेवा करती है, उनको ऐसा लगा जल्दी निकल ले तो प्रॉपर्टी नाम पे हो जाए, जल्दी निकल ले तो। कुछ बीवियाँ जो 7 फेरे लेती उसको निभाती है, कुछ बीवियाँ जो ईश्वर की तरफ से दी जाती है वो अच्छी बीवियाँ होती है, जो पतियों पति का साथ निभाती है। जैसे एक बीवी थी जो कोरोना में अपने पति को मुँह में क्या कहते हैं फूंक कर सांस दे रही थी, वो भी वायरल हुआ था, वो भी बहुत शॉकिंग था। तो मैं उस वक्त उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग घर में बैठ के ना
अड़ोस पड़ोस में बातें करते हो वो छोड़ दो, आप लोग जिम ज्वाइंट करो। कोई भी बीमारी, कोई भी मुसीबत नॉक करके नहीं आती। मेरा शूटिंग खत्म हुआ, एक दिन मैंने रेस्ट किया, अभी जिम में आ गई। उठो देश की जनता, देश वालों उठो, तेल कम खाओ, मिर्च मसाला कम खाओ, सेहत का ध्यान रखो, तल तल के घी में तल तल के डुबो डुबो के पराठे मत खाओ। हमेशा खाने से पहले सैलड खाओ, सलाड में सलाड खाओ खाने से पहले। जान है तो जहान है, फिर जब बीमारी या बॉडी को टच कर लेगी ना, आप सांस नहीं ले पाएंगे। हार्ट हमारा इतना होता है, पेट हमारा इतना होता है, तो पेट भर भर के खाना नहीं खाना है। सो ये मेरा मैसेज है आपको, कम खाओ, दिन में 10 बार खाओ, कम खाओ, तेल में तला तला मत खाओ, सलाड खाओ। क्योंकि कोई भी बीमारी जब आती है आपको दस्तक नहीं देगी। ऐसे भी हज़ारों बीमारियाँ, डायबिटीज़, ये वो हज़ारों बीमारियाँ हैं। हम खाने में प्रॉपर ध्यान नहीं रखते, इसलिए हमको बीमारी टच करती है। अभी मेरी माँ भी सुधर गई है, डॉक्टर ने हाथ जोड़ के बोला था दूध बंद करो, दूध नहीं। मेरी माँ काली चाय पीती है, क्योंकि दूध से कैंसर होता है। दूध बच्चों जो पैदा होते हैं ना उनके लिए होता है, और कैल्शियम की तो दवाइयाँ निकली है। अब ये डॉक्टर मेरे पे मत चढ़ जाना कि राखी मना कर रही है दूध नहीं पीने का। मेरे माँ को कैंसर था, कैंसर निकल गया, तो डॉक्टर ने मना किया है कि इंजेक्शन वाला दूध नहीं पीना है। जो दूध मिलता है ना, इंजेक्शन वाला दूध नहीं पीना है, उससे बीमारियाँ होती है, कैंसर होता है। तो जो डॉक्टर ने मेरी माँ को बोला, मैं चाहती हूँ सबकी माँ बच जाए, माँ बाप बच जाए, इसलिए मैं ये मैसेज दे रही हूँ। खाने में परहेज़ करो, खाने में ध्यान रखो, तला तला मत खाओ, जिम जाओ, वॉक करो, दौड़ो। पेट जो है तोंद, ऐसी तोंद भार मत लाओ। तेरे को बड़ी हंसी आ रही है, बड़ी आ रही हंसी आ रही है तुझे तोंद की? तेरे पापा की तोंद है क्या? नहीं है? तेरे पापा को बोल कम खाना खाने की। ओके बाय, मैं जिम में जा रही हूँ। अरे वो मेरा ड्राइवर कहाँ है? देख क्या क्या है, गुड न्यूज़ है क्या इसमें, क्या क्या है? अरे वाह, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आज मेरा पहला दिन है, जय हो मेरे जिम की। और आज मैं सारे वाट लगा दूंगी जिम में, जिम मार मार के। क्या बात है, मजा आया। आप लोग चाहते हो बिग बॉस 15 में जाऊं? ये देखो यार, जनता जनता है इधर, जनता को शूट करो। ये देखो कि आप लोग चाहते हैं मैं बिग बॉस 15 में जाऊं? जरूर जरूर जाइए, आपको लगता है मैं धमाल कर दूंगी? हमेशा करते हो। जरूर जाऊंगी अपने पति के साथ। मेरा पति कौन से कोने में खोया हुआ है पता नहीं, उसको लेकर मैं बिग बॉस 15 में जरूर जाऊंगी। थैंक यू। वाह, ये देखो मेरे लिए ग्रीन कार्पेट रखा गया है। वाह, ये मेरे लिए ग्रीन कार्पेट रखा गया है। वाह।